सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 14 एक्सरसाइज अभ्यास कार्य कोष्ठकत शब्दानाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, तो कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित रूप से है ना रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो वृक्षाः देश नियंत्रणम कुर्वन्ति, वृक्ष देश नियंत्रण करते हैं। तो जल प्लावन दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल प्लावनस्य। इसका अर्थ क्या होगा, जल प्लावनस्य मीन्स क्या होता है, बाढ़ का। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर, वृक्ष बाढ़ को निश्चित रूप से नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, अस्माभिः देश आरोपणम कर्तव्यम, हमारा भी क्या कर्तव्य है, वृक्षाणाम वृक्षों का रोपण करना, वृक्षों को लगाना, ये कर्तव्य है। वृक्षाः देश जीवनम यच्छन्ति अस्मत् कस्मभ्यम, वृक्ष हमें जीवन देते हैं। वृक्षाः देश उत्पादने सहायका सन्ति, वृक्ष खाली स्थान के उत्पादन में सहायक होते हैं, मेघ बादल के, तो मेघानाम बादलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। वृक्षा देश छायाम यच्छन्ति शीतलाम, वृक्षा शीतलाम छाया यच्छन्ति, वृक्ष शीतल छाया प्रदान करते हैं। स्थूल पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पद के अधिकृत करके स्थूल पद के आधार पर आपको को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। तो स्थूल पद क्या है, दिनकरस्य, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, दिनकरस्य प्रकाशे वृक्षा प्राणवायुम यच्छन्ति। तो क्या हो जाएगा, कस्य प्रकाशे, दिनकर को हटा देते हैं, तो कस्य प्रकाशे वृक्षा प्राणवायुम यच्छन्ति, किसके प्रकाश से वृक्ष जो है प्राणवायु देते हैं, यच्छन्ति, तो दिनकर के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्षाणाम कृंतनम पापम अस्ति, वृक्षों को पाप जो काटना है वो पाप होता है। तो केषां कृन्तनं पापमस्ति, किसके काटने से पाप होता है, वृक्षा संरक्षणीया के संरक्षणीयाः, इसी प्रकार वृक्षेभ्यः नमः केभ्यः नमः, इसको नमस्कार है। वृक्षा फलानि यच्छन्ति, वृक्षाः कानि यच्छन्ति, वृक्ष में क्या प्रदान करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो स्थूल पद है मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, दिनकरस्य वृक्षाणाम वृक्षाः वृक्षेभ्यः फलानि, इसके जगह में जो कि कस्य है ईशाम केभ्य और कानी का प्रयोग करके हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। समानार्थक पदानाम मेलनम कुरु, समान अर्थ वाले जो पद है उसका मैच करना है, जिनको क्या ना मिलान करना है। दिनकरस्य सूर्यस्य वृक्षाः द्रुमाः अल्पम न्यूनम, अल्पम मीन्स भी थोड़ा होता है, न्यूनम मीन्स भी कम होता है ना। विषाक्तम मीन्स विषपूर्णम, विषाक्तम विष से परिपूर्ण विषपूर्ण, ऑक्सीजन वायु प्राण वायु शुद्धम प्रदूषण रहितम, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। एक पदेन उत्तर के अस्मभ्यम जीवनम यच्छन्ति, कौन हमें जीवन प्रदान करते हैं, तो वृक्षाः, वृक्ष से हमें जीवन प्रदान, वृक्ष ही हमें जीवन प्रदान करते हैं, वृक्ष ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और ऑक्सीजन ही जो जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से एक है। उद्योगशालाः कृदृशम् अवशेषम् उद्भवन्ति, तो उद्योगशालाः विषाक्तम् अवशेषम् उद्भवन्ति, उद्योगशाला से जो है विषाक्त जहरीले अवशेष उत्पादन होते हैं, जहरीले अवशेष निकलते हैं। वृक्षाः कस्य उपकारकाः सन्ति, तो वृक्ष पर्यावरणस्य उपकारकाः सन्ति, वृक्ष जो है किसके उपकारक है, पर्यावरण के उपकारक है, उपकार करने वाले, क्यों, क्योंकि वृक्ष नहीं होते तो पर्यावरण अशुद्ध हो जाते, पर्यावरण को कोई अस्तित्व ही नहीं होता। केषां कृन्तनं पापमस्ति, तो वृक्षाणां कृन्तनं पापमस्ति, किसके काटने से पाप होता है, तो वृक्षों के काटने से पाप होता है। नेक्स्ट है, वृक्षा कस्य किरणाम अवरुद्धम छायां यच्छन्ति, वृक्ष किसके किरण को अवरुद्ध करके छाया प्रदान करके दे हैं, तो सूर्यस्य, सूर्य किरण से जो है वृक्ष किसके किरण को जो है से छाया को रोक करके छाया प्रदान करते हैं, तो वृक्ष जो है सूर्य के जो प्रकाश को रोक करके, सूर्य की गर्मी को, प्रचंड गर्मी को सहन करके भी हमें छाया प्रदान करते हैं। विशेषण विशेषणम विशेष्यम च पृथक पृथक कुरुत, विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। तो आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, चैप्टर के प्रारंभ में बताया थे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं विशेषण क्या है, यहाँ पर विषाक्तम और अवशेषम क्या है, विशेष्य विषमे विशेषण और संकटे विशेष्य विविधेभ्य विशेषण
है ना, और वाहनेभ्यः विशेष्य है। लाभा तो विशेष्य है, अनेके तो विशेषण है, शीतलाम विशेषण है, और विशेष्य क्या है, छायाम है। बहुनी विशेषण है, और वस्तुनी क्या है, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए तो क्या है, विशेषण। तो यहाँ पर लाभा अनेक, लाभा विशेषण क्या हो गया अनेक, और विशेष्य क्या होगा लाभ। तो इस प्रकार से एजटी जो दिया हुआ है वैसे ही होगा विशेषण विशेष्य। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। निम्नलिखित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखन, निम्नलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन को लिखना है। दिनकरस्य मूल शब्द हो जाएगा दिनकर, विभक्ति षष्ठी विभक्ति, वचन एक वचन। फलानी मूल शब्द फल, विभक्ति प्रथमा, और वचन हो जाएगा बहुवचन। दिशायाः दिशा मूल शब्द विभक्ति षष्ठी, और वचन एक वचन। मंत्रेषु मूल शब्द हो जाएगा मंत्र, विभक्ति सप्तमी, और वचन हो जाएगा बहुवचन। वृक्षाणाम मूल शब्द वृक्ष, विभक्ति षष्ठी, और वचन हो जाएगा बहुवचन। तो इस प्रकार से ये आप लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। क्रियाकलाप में दिया हुआ है कि विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करें, बच्चों से पौधे लगवाकर विद्यालय में रखवाएं, क्रमशः सभी बच्चे उनकी देखभाल को उत्तरदायित्व सौंपे, बच्चों को प्रेरित करें कि विभिन्न अवसरों पर उपहार स्वरूप पौधे दें, संचिका में किन्हीं दो पौधे वृक्षों के चित्र लगाकर उनसे होने वाले लाभ लिखें, अध्यापक के लिए पर्यावरण संरक्षण की कुछ सूक्तियां संचिका में लिखवाएं, तथा भित्ति पत्रिका दीवार पर जो है कुछ चार्ट व सूक्तियां लगवाएं। तो ये तो हो गया आप लोगों का क्रियाकलाप संबंधित वर्क। इस चैप्टर में यदि कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। और वृक्षों के महत्व को जान करके वृक्ष का रोपण करना चाहिए, है ना, और वृक्षों को यथासंभव हमें क्या नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, और आसपास में यदि काट रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए और वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके बच्चों।